सो गाइस, ये हमारा नेट का फैब्रिक है और ये अस्तर है। तो सबसे पहले हम लोग ब्लाउज की कटिंग अस्तर पर करेंगे। तो मैं इस फैब्रिक को साइड में कर देती हूँ। गाइस, ये अस्तर मैंने 70 सेंटीमीटर लिया है। अब मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अस्तर को उल्टा करके डबल फोल्ड में कर लिया है। ये देखिए, ये उल्टा है, इसलिए यहाँ पर मैंने कट का निशान भी लगाया है। और अब गाइस, मैं इसे यहाँ से इस तरीके से फोल्ड में कर दूंगी। ये देखिए, मैं ब्लाउज की लंबाई का निशान लगा लेती हूँ। यहाँ पर मैं 15 इंच पर निशान लगाऊंगी। हम लोगों को 15 इंच का ब्लाउज तैयार करना है। और यहाँ पर मैंने 2.5 इंच मार्जिन के लिए ले लिया। यहाँ पर भी मैं 15 इंच पर सेम निशान लगा लेती हूँ। ये देखिए, और यहाँ पर इस तरीके से मैं सीधी लाइन खींच दूंगी। सो गाइज, यहाँ पर मैं 32.5 इंच चेस्ट साइज का ब्लाउज बना रही हूँ। तो मैं उसका चौथाई भाग ले लूंगी और उसमें 2 इंच ऐड कर लूंगी मार्जिन के लिए। तो गाइज, यहाँ पर मैं 10.5 इंच पर इस तरीके से एक निशान लगा लूंगी। तो यहाँ पर मैं गले का निशान 3 इंच पर लगाऊंगी इस तरीके से। और यहाँ से गाइज हम लोग 7 इंच लेंगे शोल्डर के लिए। और यहाँ पर आर्म होल के लिए मैं 6 इंच पर निशान लगाऊंगी। यहाँ से भी हम लोग एक बार नाप लेते हैं और 7 इंच पर निशान लगा लेते हैं। यहाँ पर लाइन खींच दूंगी और अपने चेस्ट के चौथाई भाग पर निशान लगा लूंगी मैं यहाँ पर। और यहाँ पर अपनी वेस्ट का निशान लगाऊंगी। तो गाइज, वेस्ट हमारी 28 इंच की है, जिसका चौथाई भाग आएगा 7 इंच। तो मैं इस तरीके से 7 इंच पर एक निशान लगा लूंगी। उसके बाद गाइज, यहाँ पर मैं 1.5 इंच टक्स के लिए लूंगी और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लूंगी। तो टोटल मैं 3.5 इंच लूंगी। तो ये देखिए, 3.5 इंच यहाँ पर है। और यहाँ पर मैंने 1.5 इंच पर इस तरीके से एक निशान लगा दिया। और अब इन दोनों निशानों को मैं इस तरीके से मिला दूंगी। अभी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो रही है, तो गाइज मैं यहाँ पर फ्रंट पार्ट का आर्म होल 1.5 इंच का रखूंगी। इस तरीके से एक निशान मैं 1.5 इंच पर लगा दूंगी और यहाँ से मैं आर्म होल का शेप दे दूंगी इस तरीके से। ये देखिए, अब इसके बाद यहाँ पर मैं 3.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी इस तरीके से। और ऊपर की साइड से 10.5 इंच पर एक निशान लगा दूंगी। ये निशान गाइज हम लोग ब्लाउज में प्लेट डालने के लिए लगा रहे हैं। और अब इन निशानों को मिला दूंगी। तो गाइज, यहाँ पर ब्लाउज के फ्रंट पार्ट का निशान लग चुका है। यहाँ पर मैंने गले का निशान इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैं उसे बकरम में लगा करके इसमें सेट करूंगी। यहाँ पर गाइस गले का निशान लगा हुआ है, इसे मैं इस तरीके से फोल्ड करूंगी और यहाँ पर एक कट लगा लूंगी इस तरीके से। और अब मैं इसे बीच से भी कट कर देती हूँ। गाइस, अब मैं इसे ओपन कर लेती हूँ और इसे इस तरीके से फोल्ड कर दूंगी। थोड़ा सा टैप कर दूंगी इस तरीके से, ताकि जो प्लेट का निशान है वो दूसरी साइड भी कॉपी हो जाए। और अब मैं इस निशान को डार्क कर दूंगी और इसे स्ट्रेट लाइन को भी इस तरीके से ड्रॉ कर दूंगी। सो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने फ्रंट पार्ट को अस्तर में 2 बार कट क्यों करा, क्योंकि मेरा जो मेन फैब्रिक है वो नेट का है और मुझे इस ब्लाउज में कप लगाना है, इस वजह से मैंने फ्रंट पार्ट को अस्तर में 2 बार कट करा है। सो गाइस, अब हम लोग बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। इसे मैं साइड में करती हूँ। गाइस, इस कपड़े को मैंने डबल फोल्ड में कर लिया। सो गाइस, आप लोगों को अस्तर को इस तरीके से बिछा लेना और उसके ऊपर अपने ब्लाउज के फ्रंट पार्ट को, जिसको आपने कट करके रखा है पहले से, उसको रख लेना है इस तरीके से। यहाँ पर आप लोगों को 1/2 इंच का गैप देना है और इस तरीके से इसे बराबर से रख लेना है। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। और यहाँ पर मैं पिन लगा दूंगी इस तरीके से, ताकि जब मैं इसे कट करूँ तो ये कपड़ा ऊपर नीचे ना हो। इस तरीके से इसे मैंने सेपरेट कर लिया है। गाइस, ये बैक पार्ट की हम लोग कटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं 1/2 इंच बड़ा रखूंगी आर्म होल इस तरीके से। और गाइस, यहाँ पर आप लोगों को 1/2 इंच की स्लोव देनी है इस तरीके से। और अब इसकी पिन मैं निकाल देती हूँ, प्लेट का निशान डाल लेती हूँ। तो 3.5 इंच पर इस तरीके से एक निशान लगाऊंगी और ऊपर की साइड से 10.5 इंच पर, और एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी इस तरीके से। 15 इंच पर निशान लगा लेती हूँ और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लूंगी। तो गाइस, इसकी कटिंग होगी। अब इसे हम लोग मेन फैब्रिक में सेपरेट कर लेते हैं। सो गाइस, ये मेरा मेन फैब्रिक है, मैंने इसे उल्टा करके इस तरीके से बिछा लिया है। अब इसके ऊपर मैं अस्तर की सीधी वाली साइड को इस तरीके से रखूंगी और उल्टी वाली साइड को ऊपर की तरफ, और इसमें पिन लगा दूंगी।